दोस्तों, चाय के बाद सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ कॉफी है। कॉफी में एक विशेष प्रकार का केमिकल पाया जाता है जिसे कैफीन कहते हैं। ये केमिकल हमारे शरीर में जाकर हमें एकदम से एनर्जी देता है, जिससे हमारा आलस चला जाता है और हम और अच्छे से कोई भी काम को कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने कॉफी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में सोचा है कि आखिर ये कॉफी आती कहाँ से है, इसे कैसे प्रोसेस किया जाता होगा? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कॉफ़ी बनाने की शुरुआत होती है कॉफ़ी बीन्स से। ये बीन्स कॉफिया अरेबिका नामक पौधे में बेर के रूप में आते हैं। तो सबसे पहले वर्कर्स द्वारा इन चेरी को तोड़कर इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद ये चेरी फैक्ट्री में पहुंचती है जहां इसे अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे सारी गंदगी अलग हो जाती है। अब इन चेरीज को पल्पिंग मशीन में भेजा जाता है जहां बेर के अंदर से गुठली को निकाला जाता है। इसी गुठली को हम कॉफी बीन्स कहते हैं। उसके बाद इन बीन्स को अच्छी तरह से वॉश किया जाता है जिससे इन बीन्स के ऊपर का स्लिपरी पदार्थ अलग हो जाता है। अब इन बीन्स को लगभग 4 दिन तक सीमेंट के फ्लोर पर सुखाया जाता है जिससे इन कॉफी बीन्स के अंदर की नमी सूख जाती है। उसके बाद इन बीन्स को मिलिंग मशीन में भेजा जाता है जहां वो मशीन इन बीन्स के ऊपर के छिलके को हटा देती है। अब ये बीन्स तो तैयार हैं, लेकिन अभी इसमें कॉफी का फ्लेवर नहीं है जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले इन बीन्स को एक रोस्टिंग मशीन में भेजा जाता है जहां इन्हें 356 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर रोस्ट किया जाता है। रोस्टिंग की यह प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि अगर कॉफ़ी बीन्स ज़्यादा रोस्ट हो गए तो कॉफ़ी का स्वाद बिगड़ सकता है, इसलिए इन बीन्स को रोस्टिंग के समय थोड़ी थोड़ी देर में चेक किया जाता है। एक बार जब बीन्स सही तरह से रोस्ट हो जाते हैं तो इन पर पानी स्प्रे किया जाता है जिससे बीन्स ठंडे हो जाते हैं। रोस्टिंग की इस प्रक्रिया से कॉफी बीन्स ग्रीन से ब्लैक हो जाते हैं। अब ये कॉफी बीन्स ग्राइंडर में पहुंचते हैं जहां इन्हें अच्छे से ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद यह कॉफी पैकेजिंग के लिए तैयार है। पैकेजिंग की यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती है। उसके बाद यह कॉफी आपके आलस को दूर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।